और जो बच्ची है जिसकी हत्या इसके द्वारा की गई है, उस बच्ची के मां के साथ इसका प्रेम संबंध था। इस घटना का 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त विश्वनाथ वंशकार, जो थाना सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 22 जून को थाना नवाबगंज क्षेत्र स्थित कटरा रेलवे स्टेशन के पास एक बगिया में एक 4 वर्षीय बच्ची का शव प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में थाना नवाबगंज पर अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इस घटना का 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त विश्वनाथ वंशकार, जो थाना सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये मध्य प्रदेश के जिला दतिया का रहने वाला है और जो बच्ची है जिसकी हत्या इसके द्वारा की गई है, उस बच्ची के मां के साथ इसका प्रेम संबंध था, जो भी मध्य प्रदेश की रहने वाली है, और कुछ समय पूर्व जो उसकी बच्ची की मां है वो इसके पास बच्ची को छोड़कर चली गई थी, तब से ये बच्ची इस हत्यारोपी के पास ही थी। और घटना के एक दिन पूर्व यानी 21 जून की रात इस हत्यारोपी द्वारा थाना नवाबगंज क्षेत्र स्थित एक ठेके से शराब खरीदी गई, शराब का सेवन किया गया। इसका बताना है ऐसा कि बच्ची जब जोर जोर से रो रही थी तो शराब के नशे में धुत होकर और क्रोधवश इसके द्वारा बच्ची के साथ दुराचार करने का प्रयास किया और विरोध करने पर बच्ची को पेड़ के तने से पटक के इसके द्वारा हत्या कारित कर दी गई। इस प्रकार घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्याभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसे जेल भेजा जा रहा है। इस प्रकरण में सभी प्रकार के फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई गुणवत्तापूर्ण तरीके से की गई है, समयबद्ध तरीके से इसमें विवेचना संपादित कर चार्जशीट माननीय न्यायालय भेजी जाएगी और इस नृशंस घटना की प्रभावी पैरवी करते हुए इस हत्यारोपी को माननीय न्यायालय से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस संबंध में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।